माँ से बढ़कर कोई ना दूजा माही मंदिर। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माने जना है। क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। माँ ही मंदिर है और माँ ही पूजा है। गौरी गोपाल आश्रम में ये आश्रम नहीं, माँ का मंदिर है। नवरात्रि आती है, आप माटी की माता जी बिठाते हो, हमारे यहाँ तो सच्ची की माता जी है, है ना? हमारे यहाँ सच्ची की माता जी है और उनकी हम आरती पूजा भी करते हैं। आप साल में दो बार, एक बार माता जी की पूजा करते हैं नवरात्रि में, हमारे यहाँ 12 महीने माता जी की पूजा होती है। पुजारी कौन? ये दास अनिरुद्ध पुजारी है। मंदिर है ये गौरी गोपाल आश्रम और इस मंदिर में मूर्ति है हमारी वृद्ध माओं की। पूजा इसलिए, जब आंखें खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर आंख खुली तो फिर उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उस राजा, मैं उसका राजा बेटा था, वो आँखों का तारा थी, बनो सहारा मैं उसका, बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ कर चलाया, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी जिस अंतर में सदा सहेजा था, मेरे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। जब आंख खुली तो हमें कोई और नजर नहीं आया, हमने बाप को बाद में जाना, हमने भाई को बाद में जाना, हमने बहन को बाद में जाना, हमने भगवान को बाद में जाना, हाँ या ना? पहले आप लोगों ने किसको जाना? पहले आप लोग दौड़ के माँ की गोद में चले जाते थे, जरा सा आपको खतरा दिखाई पड़े भाग के, घुटनों के चलना नहीं आता था, घुटनों के बल दौड़ के माँ की गोद में उछल जाते थे, हाँ? और बड़े हो गए तो माँ बुलाती है, बेटा जरा पानी ले आओ, समय नहीं है माँ, अब समय नहीं है, बेटा भोजन ले आओ, जरा सेवा कर लो, समय नहीं है। और छोटे से थे तो दौड़कर माँ की गोद में उछलते थे। उस समय माँ की बताओ, जब आप छोटे थे तब आपका सबसे बेस्ट फेवरेट तकिया कौन सा था? सबसे अच्छा तकिया क्या है? इस धरती का सबसे अच्छा तकिया क्या है, कौन बताएगा? इस संसार की सबसे अच्छी तकिया क्या है बताओ? माँ का ये हाथ तकिया, जब माँ सोती है ना आपको तो तकिया इसकी लेती है, इस पर सुलाती है आपको, हाँ या ना? आपका श्रेय सो जाती है। जब आप सोते थे बिस्तर में तो माँ अपनी भुजाओं में आपको तकिया
का सहारा बन करके आपको सुलाया करती थी। सबसे अच्छा चादर माँ का साड़ी का पल्लू, सबसे बेस्ट चादर, सबसे अच्छा गद्दा, सबसे अच्छा गद्दा माँ की गोद, सबसे अच्छा गद्दा, सबसे अच्छा गद्दा माँ की गोद, सबसे अच्छा तकिया माँ की बाजू भुजाएं, सबसे अच्छा चादर माँ का आंचल, और सबसे अच्छा पेय पदार्थ माँ का दूध। 6 महीने तक तो हमने रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, फल नहीं खाए, सिर्फ माँ का, अरे खाना तो छोड़ो पानी भी, केवल माँ का, सिर्फ माँ का। करोड़ों एहसान है उस माँ के, तुम्हारा मल धोया, मूत्र धोया, तुमने कितनी बार अपनी माँ की गोद में छिछी सुसु कर दी, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, प्यार से साफ करती है। और तुम बड़े हो गए और जरा माँ का करना पड़ जाए मलमूत्र, तो नाक से कोड़ते घूमते हो।